चंडीगढ़ में प्रकाश सिंह बादल ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर निशाना साधा और कहा कि इमरजेंसी के दौरान अकाली दल ने सबसे अधिक संघर्ष किया। मुख्यमंत्री बादल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें संदेश भेजा था कि अकाली दल इमरजेंसी में हिस्सा ना लें, लेकिन अकाली दल नहीं झुका। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी के साथ। जी मनोज, आज पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो किन मुद्दों पर उन्होंने जो है वो बात की है? बिल्कुल कविता, बताना चाहूंगा कि आज पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल यहाँ पे आज मीट द प्रेस हुई है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ प्रेस क्लब में, और कई मुद्दों पर जो है उन्होंने खुलकर बात की है। और उन्होंने साफ साफ तौर पे यहाँ पर कहा है कि अपने पूरा एक राजनीतिक जो है उन्होंने दौर जो है काफी पुराना, उन्होंने उनको साफ तौर पे कहना था कि जब वो जवान थे जब से लेकर जो है आज बुढ़ापे तक जो है वो राजनीति में हैं, और अपनी राजनीति में उन्होंने काफी ऐसे दौर देखे जो काफी कठिन थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने बहुत बुरा टाइम देखा और बड़े ही संकट से गुजरा है। हालांकि इमरजेंसी के टाइम की उन्होंने बातें बताई कि इंदिरा गांधी ने जिस तरह से उनको मना किया था कि उसमें इमरजेंसी के टाइम में ना भाग लें, तो यहीं पर जिस तरह अगर हम बात करें तो साफ तौर पर उन्होंने आज यहाँ पर बातें जो बताई हैं कि जिस तरह से पंजाब ने जो संघर्ष किया है, और आज उन्होंने साफ तौर पर यहाँ कहा कि किसानों को काफी यहाँ पर जो किसानों का मुद्दा है काफी फ्रस्ट्रेट हैं किसान, उनको जो है काफी, लेकिन पंजाब सरकार ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंजाब सरकार ने उनको काफी सुविधाएं दी, और आज पंजाब में जो है किसानों को मुफ्त बिजली है, मुफ्त पानी जो है वो सुविधाएं दी जा रही है। उसके अलावा और भी उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से नशे के मुद्दे को लेकर सवाल किए गए और भी कई मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर सवाल किए गए, तो वहाँ उन सवालों पे जो है वो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सिर्फ तरह ये पंजाब को जो है बदनाम करने की कोशिश जो है वो की जाती है। उन्होंने हालांकि मीडिया पर भी जो है यहाँ पर निशाना साधते हुए कहा कि जो है ये गलत खबरें जो है कई बार दिखाई जाती है जिससे कि लोग जो है भड़क जाते हैं, लेकिन इस तरह का कुछ ऐसा जो है पंजाब में नहीं है, बड़ी ही खुशहाली जो है वो पंजाब में है, और इमरजेंसी से लेकर अब तक जो है पंजाब की बड़ी दिशा जो है वो खराब थी, लेकिन पंजाब सरकार ने जो है धीरे धीरे इन चीजों पर काम किया और लोगों को जो है यहाँ पर पंजाब में यहाँ पर काम करके जो है लोगों को जो है खुशहाल करने की जो यहाँ पर बात की गई है, तो काफी मुद्दों पर जो है इन्होंने आज यहाँ पर बात की है। जी जी मनोज, मुख्य उद्देश्य क्या था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मुख्य उद्देश्य जो है आज अगर हम बात करें तो मीट द प्रेस का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य यहाँ पर उनका यही था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर उनको सभी पत्रकारों से बातचीत करनी थी, और आज ऐसा पहला मौका यहाँ पर हुआ है कि आज यहाँ पर काफी देर जो है मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर आज प्रेस से जो है मिले हैं, और उन्हें अपनी जो बातें जो है वो साझा करी है, और कई सवालों का जो है वो जो है यहाँ पर मीडिया को जो है जवाब दिया है। जी मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर निशाना साधा और कहा कि इमरजेंसी के दौरान अकाली दल ने सबसे अधिक संघर्ष किया। इसके अलावा उन्होंने और कई मुद्दों पर बातचीत की और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।